मैम आप लोग कहाँ से हैं? बंगाल से ही हैं? हाँ, कलकत्ता से। अच्छा, आप चुनावी माहौल क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है अभी तक का न्यूज़ वगैरह देखने से? नो कमेंट। नहीं, ऐसा क्यों है बंगाल में? हम जितने लोगों से पूछते हैं 80% लोग कह देते हैं नो कमेंट्स, मतलब क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा अभी। अच्छा, आप समर्थक किसकी हैं? अच्छा मैम, आपको क्या लगता है, ये तो कुछ नहीं बता रही हैं आप। क्या बोले, सब ठीक ही है, ठीक ही चल रहा है। क्या बता रही हैं, थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे भी सुनाइए। बोलम, सब ठीक ही चल रहा है, सब ठीक ही है। नहीं मतलब आप समर्थन किसका कर रही हैं? वो तो क्या बोले, सब ठीक। और माहौल किसका पलड़ा भारी? सब ठीक है। देखिए, हम यहाँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जब गए थे तो वहाँ पे भी कुछ डायरेक्ट लोगों ने यही कहा कि नो कमेंट्स, और यहाँ भी नो कमेंट्स। ये बंगाल का माहौल है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैम आप कहाँ जा रही हैं? हाँ बोलिए। अब नाम क्या है आपका? प्रियंका दत्ता। अच्छा, चुनावी माहौल सब समझ में आता है एकदम, मतलब इंटरेस्ट लेके देखती हैं न्यूज़ चैनल वगैरह? बताइए आपको क्या लगता है, माहौल क्या है, मजबूत कौन है, ममता बनर्जी या मोदी जी? देखिए, जो भी पॉलिटिकल मतलब लीडर आए वो ऐसा कुछ काम करे जिसमें ओवरऑल ग्रॉस प्रोडक्टिविटी बढ़े। मतलब ऐसा नहीं कि खुद लोगों का प्रॉफिट बढ़े लेकिन हम लोगों का प्रॉफिट मतलब लॉस में जाए। तो जो भी हो, दे शुड डू समथिंग गुड और इनिशिएटिव समथिंग गुड। मैडम ज़्यादा समझदार लग रही हैं, इनसे हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। आप गुलशन जी उधर सीट पर बैठ जाइए। हाँ, फिर से बताइए आपको क्या लगता है। मैं पूछ रहा हूँ, ये तो एक अपनी विचारधारा हो गई जो आप बता रही थी, माहौल किसका यहाँ पे लग रहा है तगड़ा है, मोदी जी का कि ममता दीदी का? वो तो वोट आने पे ही पता चलेगा। वो तो सभी लोग बोल रहे कि खेला होवे, तो खेला क्या होगा, तो वो तो वोट के पहले या फिर बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद ही पता चलेगा। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, जो भी लोग आए वो मतलब कुछ सोसाइटी के लिए कुछ ज़्यादा करें, खुद लोग खुद के लिए सोचने के बगैर सोसाइटी के लिए भी सोचे। मतलब इंडस्ट्री, पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम, एवरीथिंग, जो अभी एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट एजुकेशन, जो स्कूल्स वगैरह है, उन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाई डे इट्स डिटोरिएटिंग, राइट? सो इस हिसाब से मतलब अगर उसका कुछ लोग ऐसे है, दे कैन अफोर्ड अ प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट सेटअप्स एंड ऑल, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट सेटअप इज़ मैंडेटरी। तो उन लोगों के लिए अगर कुछ सोचे, कुछ करे तो वो अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। तो ये तो खैर आपकी विचारधारा हो गई, अभी आप जरा पैर हटाइएगा यहाँ से। तो अभी आप देख रहे हैं मेट्रो, गुलशन जी चारों तरफ घुमा दीजिए। अभी जब हम इस पे चढ़े थे तो भीड़ नहीं थी, अब यहाँ सीट भी नहीं है बैठने के लिए, लोग खड़े हैं। चलिए अब इधर दिखाइए। तो अभी तक से जो आप बता रही थी वो आपकी एक सोच है, जो लगता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, और आप अपना थॉट बता रही थी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ ग्राउंड लेवल पे लोगों का ज़्यादातर झुकाव किस तरफ है? लोगों का सोच तो मैं नहीं बता सकती, मेरा सोच था ये मैं बता दिया, लोगों का इंडिविजुअल सोच है, मेरा जो सोच है वो मैं बताया, लोगों का सोच मैं मेरे को कैसे पता चलेगा? ये बहुत ही मतलब ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मैं नहीं दे सकता। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट सोच होता है, तो मेरा जो सोच था वो बताया, मेरे हिसाब से बताया, लेकिन जो भी आए वो अच्छा कुछ करे।